अधिवक्ता मनिंद्र कुमार सिन्हा के मृत्यु पर हिलसा अधिवक्ता संघ में अधिवक्ताओं ने शोक सभा का किया आयोजन, सभी कार्य रहे बंद। हम आपको बता दें कि अधिवक्ता मनिंद्र कुमार सिन्हा के मृत्यु पर हिलसा अधिवक्ता संघ में अधिवक्ताओं ने सोमवार को शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान शोक सभा में अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना किया। शोक सभा की अध्यक्षता कर रहे हिलसा अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष सुषमा कुमारी ने कहा कि यह अधिवक्ता जो है वह हिलसा अनुमंडल के नगनौसा थाना क्षेत्र के भोभी के रहने वाले हैं, जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हमारे संघ के थे, जिनकी मृत्यु 12 नवंबर को हो गया था। सोमवार को कोर्ट खुलते ही अधिवक्तागण पहुंचे, जहां शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि उनके मृत्यु होने के बाद सोमवार को सभी न्यायिक कार्य स्थगित रहेगा। शोक सभा के दौरान संघ के पूर्व सचिव पंकज कुमार सोनभद्र, संघ के सचिव कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव रामविलास प्रसाद, उपाध्यक्ष अजय कुमार, संघ के पूर्व अध्यक्ष ललन प्रसाद, अधिवक्ता दिलीप कुमार, अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता अंजीत चक्रवर्ती, अधिवक्ता मितेंद्र कुमार, अधिवक्ता कुमारी रानी प्रियंका, अधिवक्ता चंद्रमणि पांडे, अधिवक्ता संजय सिंह, अधिवक्ता भानु प्रसाद, अधिवक्ता स्वामी सहजानंद, अधिवक्ता अनिल कुमार, राजेश कुमार, रामबली प्रसाद, कृष्णा प्रसाद यादव, समरेंद्र कुमार विश्वास, मृत्युंजय मेहता, प्रकाश कुमार, विवेकानंद सिन्हा, सतीश कुमार सिन्हा, सुधांशु कुमार, प्रवीण कुमार, राजेंद्र प्रसाद, मिथिलेश कुमार, सुमन शर्मा, धनंजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विजय कुमार, सत्यदेव नारायण सिंह, अनिल कुमार सिन्हा, आशा कुमारी समेत सैकड़ों अधिवक्ता ने शोक सभा में शामिल हुए और शोक जताया। एक वरीय साथी मनिंद्र कुमार सिन्हा नहीं है, उनकी मृत्यु दिनांक 12/11/2022 को सुबह 8 बजे हो गई थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज शोक सभा का आयोजन किया। आज हम सभी अधिवक्तागण अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे।